बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो तुलसी मैया की जय हो। तो आज कार्तिक महात्म का 22वां अध्याय है, तो आइए आप भी मेरे साथ सुनिए कार्तिक महात्म की 22वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हैं या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए, उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी को यह सब वृतांत सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते रहे, अतः आप उन्हें समझाइए क्योंकि यह प्राकृतिक सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि सारा जगत उसी के अधीन है, उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए। परंतु महादेवी उमा श्रीदेवी की जननी सबसे परे है, वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए, यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रवृत्ति को प्रसन्न करने के लिए चले गए। उनके पास पहुंचकर उनकी बहुत ही बड़ी स्तुति की और आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थिर होती हूँ, सत्य गुण से गौरी, रजो गुण से ज्योति रूप हूँ, तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ, वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए, वह भगवती का आदर करते हुए गौरी लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगी। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे यह सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए, वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिसे धात्री मालती व तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उड़ बैठे, कामास्तक चित्त से मोहित हो उनसे यातना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नतमस्तक होकर लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। अतः आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है, यह सब आख्यान जो है शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो आज की कथा यहीं पर पूर्ण हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो कार्तिक महात्म की जय हो, जय जय माँ तुलसी मैया की जय हो।